नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में तो दोस्तों अगर आपके पास सन डायरेक्ट का डीटीएच है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो तो आप इसे घर से किस तरह से सेट कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में यहाँ पे बताने वाले हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको ये सैटेलाइट फाइंडर ऐप डाउनलोड करके लेना है तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा तो मैं आपको सीधा प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ और दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करके लेना है सैटेलाइट सेट फेंडर एंड कंपास और मैं इसे ओके okay कर करके लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मेरे सामने इस तरह का ऐप आ रहा है तो दोस्तों इस तरह का ऐप आपके सामने आएगा आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है तो दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल की लोकेशन या जी सर्विस है उसे ऑन करके लेना है क्योंकि दोस्तों विदाउट आपकी लोकेशन ऑन किए ये ऐप काम नहीं करने वाला है या आपको यहाँ पे सारे से नहीं दिखाएगा तो मैं अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके पेज के नीचे लेट्स गो ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे लेट्स गो के ऊपर क्लिक करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आपको सैटेलाइट फाइंडर ए आर व्यू लाइव लोकेशन और एक्सेलरोमीटर ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वाला सैटेलाइट फाइंडर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके लेना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा तो यहाँ पर आपको नीचे एनेबल लोकेशन सर्विसेज ऐसा एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करके लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक बार इस तरह का पेज आएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन है सैटेलाइट फाइंडर का वहाँ पे क्लिक करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की सैटेलाइट्स की लिस्ट यहाँ पे आने वाली है तो यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग डिश के लिए अलग अलग सैटेलाइट यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं जैसे कि आज हम सन डायरेक्ट डी का सेटिंग करने वाले तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे इंटेल सेट सेवेंटीन ये सैटेलाइट यहाँ पे सेट करके लेना है तो इसके लिए हम इस लिस्ट से इसे सर्च भी कर सकते हैं या हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं तो हम यहाँ पे सर्च करके लेते तो दोस्तों हमने यहाँ पे इंटेल सेट टाइप करके लिया है तो हम यहाँ पे नीचे लिस्ट में इंटेल सेट सेवेंटीन इसे थोड़ा सा खोजते हैं तो हम यहाँ पे इस लिस्ट को थोड़ा सा स्क्रोल करके लेते तो हम थोड़ा सा स्क्रोल करने के बाद हमें यहाँ पर इंटेल सेट सेवेंटीन मिल गए आप इसकी सेटेलाइट वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं सिक्सटी डिग्री ईस्ट तो मैं इस सैटेलाइट को सेट करके लेता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इंटेल सेट 17 ये सैटेलाइट यहाँ पे सेट हो गया है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसके नीचे जो सैटेलाइट डिटेल्स वाला ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ पे पोजीशन, एजीम्यूट एलिवेशन और एलेन भी मिल रहा है तो आपको यहाँ पे पोजीशन को कुछ भी नहीं करना है आपको एजिम्यूट एलिवेशन और एलेन बी को सेट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिवेशन सेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 67 डिग्री इतना एलिवेशन मिला है तो ये सेट करने के लिए आपको यहाँ पे डिश के निचले हिस्से में जाना होगा और यहाँ पे आपको 67 डिग्री ये एलिवेशन सेट करके अपने नट बोल्ट्स को यहाँ पे टाइट करके लेना है उसके बाद हमारा दो नंबर का जो सेटिंग है वो है एजीम्यूट एजीम्यूट मतलब हमारे डिश के डायरेक्शन सेट करना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 208 डिग्री इतना हमारा एजीम्यूट है तो दोस्तों आपको सबसे पहले बैक जाना होगा और आपको इस सैटेलाइट के पेज पे आना होगा उसके बाद दोस्तों आपको एक्जैक्टली exactly अपने डिश के ऊपर मोबाइल लेके खड़ा होना है और यहाँ पे आप ये कोशिश करिए कि आपका मोबाइल पूरा हॉरिजेंटल हो या आप इसे ज़मीन पे भी रखेंगे तो भी चलेगा लेकिन आपका मोबाइल हॉरीजेंटल होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेड कलर का एक सैटेलाइट का साइन दिख रहा होगा मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सैटेलाइट का साइन दिख रहा है ये हमारे डिश की डायरेक्शन होने वाली है लेकिन ये सही डायरेक्शन हमें किस तरह से फाइंड करनी है तो उसके लिए ये जो आपको डिश का छोटा आइकॉन दिख रहा है ना उसका जो हैंड है वो आपको ये जो सैटेलाइट है या उसकी जो लाइन है इस लाइन के साथ आपको ये हैंड मैच करना पड़ेगा तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये जो हैंड है वो राइट में रोटेट करके इस लाइन के साथ मैच करना पड़ेगा तो मैं इस हैंड को राइट में रोटेट करते जाता हूँ और जैसे ही ये दोनों लाइंस मैच हो जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऊपर सैटेलाइट का जो साइन है वो यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है और दोस्तों जहाँ पे भी आपकी ये दोनों लाइंस मैच होते हैं और आपका सैटेलाइट यहाँ पे ग्रीन होता है उसी डायरेक्शन में आपको अपने डिश को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा तो अभी हमारे डिश की डायरेक्शन गलत है तो हमें एग्जैक्टली exactly इसी डायरेक्शन में अपने डिश को यहाँ पर सेट करके लेना है उसके बाद दोस्तों हमारा ये एजीमिट का सेटिंग पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे सैटेलाइट डिटेल्स का जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे जाना होगा तो यहाँ पे हमारे दो सेटिंग हो गए अब हमारा एल एन बी का सेटिंग यहाँ पे करना है तो हमारी एल एन बी वैल्यू है ट्वेंटी सेवन डिग्री तो दोस्तों एल एन बी का सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे डिश के एग्जैक्टली सामने खड़ा होना है तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहली चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे प्लस में आती है तो आपको अपने एल एन बी को लेफ्ट में रोटेट करना है और अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो आपको अपने एल एन बी को राइट right में रोटेट करना है तो दोस्तों हमारा जो एल एन बी है वो यहाँ पे प्लस ट्वेंटी सेवन डिग्री मतलब हमें अपने एल एन बी को यहाँ पे लेफ्ट में रोटेट करना है तो हमारा यहाँ पे पहले से राइट में है तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट में करना पड़ेगा तो इस तरह से हम अपने एल एन बी का सेटिंग कर सकते हैं तो इस तरह से अगर हम ये तीनों सेटिंग कर लेते तो हमारे डिश के सिग्नल यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और अगर आपके सिग्नल आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद